अजिंठा महामार्गाच्या कामासाठी मुरुमाचे अवैध उत्खनन करणारे 3 टिप्पर व 1 पोकलन जप्त करण्यात आले आहे. तहसीलदार संतोष शिंदे यांच्या मार्गदर्शनात महसूल पथकाने देऊळघाट नजीकच्या अफजलपूर येथे शुक्रवारी दुपारी ही कारवाई केली. जिल्ह्यात विनापरवाना गौण खनिज उत्खननाचे प्रकार समोर आले आहेत. शुक्रवारी दुपारी देऊळघाट नजीकच्या अफजलपूर येथील नदीतून अवैध मुरुमाचे उत्खनन सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार संतोष शिंदे यांना मिळाली. त्यानुसार महसूल विभागाच्या पथकांनी घटनास्थळावर धाव घेतली असता यावेळी पोकल्यांच्या सहाय्याने विनापरवाना मुरुम उत्खनन सुरू असल्याचे दिसून आले. एका टिप्पर मध्ये मुरुम भरणे सुरू होते व 2 टिप्पर शेजारी उभे होते. विचारपूस केली असता सुनील हायटेक कंपनीने बुलढाणा अजिंठा महामार्गाच्या कामासाठी हे मुरुम उत्खनन सुरू असल्याची माहिती मिळाली. उत्खनन करणाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले असता त्यांनी कोलवड येथील पावती पुस्तक दाखविले तर दत्तरपूर येथे उत्खननाबाबत 2018 जिल्हा अधिकाऱ्यांचा आदेश दाखविला. आवश्यक कागदपत्रे आढळली नसल्याने 3 टिप्पर व 1 पोकलन जप्त करण्यात आले आहे. टिप्पर तहसीलदार कार्यालयात लावण्यात आलेले आहे. कल जो कारवाई की गई आपके शिवार के अंदर तो क्या कहेंगे आप? मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि भाई ये बुलढाणा अजंटा जो हाईवे का काम शुरू है, माजी आमदार साहब हर्षवर्धन सपकार साहब ने नितिन गडकरी साहब को जो सूचना दिए थे कि भाई नदी नालों में का खोली मटेरियल निकाल कर उस रोड में भरा जाए, जिसकी वजह से नदी की और नाले की खुलाई बढ़े और पानी रुकने की उसमें क्षमता बढ़े, उस आधार पर देवलघाट और देवलघाट के अतराफ में जैसे आप देखेंगे कि भाई मड़ के पास पाटली के पास काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र है और वो नदी उन्होंने खोदे, इधर हमारे कुल्लोड़ के पास भी उन्होंने खोदे. अब इस पर नितिन गडकरी साहब ने प्रशासन को सूचना की थी कि उस मटेरियल में से निकालेंगे, जिसके काफ़ी इससे पहले पेपरों में न्यूज़ भी आई, प्रेस नोट भी लगे. अब ठेकेदार कल ये जो कार्रवाई हुई तो ठेकेदार ने परवानगी निकाली कि नहीं निकाली, और निकाली तो क्यों नहीं निकाली, या प्रशासन उसमें क्या अड़थड़े निर्माण कर रहा. लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई करी तो कार्रवाई के बारे में तो हमारा कुछ बोलना है नहीं. प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन प्रशासन को हमारी एक देवलघाट के सरपंच होने के नाते ये गुजारिश है कि भाई देवलघाट के अतराफ के शुरू में सब सरकारी ज़मीनों में नदियों में काम शुरू है, तो वहाँ की वो परवानगी है या नहीं है, या वहाँ की परवानगी देते और देवलघाट की परवानगी क्यों नहीं देते. देवलघाट में काम नदी का खुलीकरण का देवलघाट शिव में क्यों नहीं हो रहा, ये प्रशासन से हमारी डिमांड है. ठेकेदार ने जो है तो बगैर परवानगी के काम करना चाहिए नहीं, ठेकेदार ने उसका पूरा पाठ पुरावा करना चाहिए और प्रशासन ने पूरा साथ देना चाहिए.